कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने से पहले रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की राजनीति में लंबा सफर तय किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे रणदीप सुरजेवाला ने दो बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को विधानसभा चुनाव में मात दी है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ था। रणदीप सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेसी नेता थे और 4 बार विधानसभा पहुंचे। 1993 में शमशेर सिंह सुरजेवाला ने लोकसभा के उपचुनाव में भी जीत दर्ज की थी। इसके बाद उनके विधानसभा सीट खाली हुई, जिस पर जीत दर्ज करके रणदीप सुरजेवाला ने अपनी राजनीतिक करियर की पहली जीत दर्ज की। हालांकि विधायक बनने से काफी पहले सुरजेवाला कांग्रेस में एक्टिव हो चुके थे। सुरजेवाला पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान ही इंडियन यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1996 में रणदीप सुरजेवाला के करियर में अहम मोड़ उस वक्त आया जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला को विधानसभा चुनाव में मात दी। इसके बाद 2000 में रणदीप सुरजेवाला इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 2014 की बात करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार के बावजूद रणदीप सुरजेवाला अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद सुरजेवाला की एंट्री राष्ट्रीय राजनीति में हो गई। राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में सुरजेवाला का कद और बढ़ा। हालांकि साल 2019 की शुरुआत सुरजेवाला के लिए अच्छी नहीं रही। जनवरी 2019 में हरियाणा की जिंद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया गया। सुरजेवाला तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें करीब 20,000 वोट मिले। सुरजेवाला के लिए बड़ा झटका इसलिए भी था क्योंकि चुनाव से 2 महीने पहले बनी जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट दिग्विजय चौटाला उपचुनाव में करीब 38,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला के सामने एक बार फिर से अपनी कैथल सीट बचाए रखने की चुनौती होगी।